पूजनीय संत समाज, आदरणीय विद्वज्जन देवियों और देवताओं, मैं तो द्विवेदी जी के विचार सुनते रहना चाहता था। वे और बोलते, मैंने शुरू में कहा था कि आप आधा घंटा से कम न कहिएगा, नहीं तो और कम में बंद कर देते। उनके विचार सुनने में मुझे आनंद आ रहा था। द्विवेदी जी दर्शन विभाग के अध्यक्ष रहे, विद्वान रहे, समर्थ विद्वान हैं, मतलब पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, सेवा मुक्ति हो गई, लेकिन विद्वान तो विद्वता कहीं गई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है आपकी निर्मल प्रज्ञा, किसी बात को समझने की पूर्ण क्षमता और व्यक्त करने की क्षमता, और आपकी गंभीरता से भी विश्वविद्यालय के छात्र प्रभावित रहते थे। पारक सिद्धांत पर उन्होंने जो कुछ कहा सब बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं वैसे कहा। पारक सिद्धांत अनुवीक्षी विद्या पहले कहते थे, त्रैवार्ता दंड, अनुवीक्षकी त्रैवार्ता दंड, ये चार विद्याएं कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुरुआत में ही है। अनुवीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड। अनुवीक्षकी ही पारक है, जिसमें सांख्य योग और लोकायत कहा गया है। अनुवीक्षकी विद्या में, अनुवीक्षकी विद्या जिसमें परीक्षण हो, परख हो, वो सांख्य है, योग है और लोकायत है। और त्रयी है वैदिक कर्मकांड, वार्ता है व्यवसाय, दंड है राजनीति, लेकिन सबसे बड़ी विद्या, प्रथम विद्या अनुवीक्षकी है। अनुवीक्षकी ही पारक है। पारक कोई किसी का दिया हुआ नहीं है, पारक जीव का स्वरूप है। परख ज्ञान, जीव में स्वयं परख है, ज्ञान है, जब लेकिन जब नकलीपन उस पर लद जाता है तो वो भटक जाता है। उसी नकलीपन को हटा देना शुद्ध पारक का विचार है। जगत कहीं से बना, किसी ने बनाया, क्यों बनाया, करुणा के बनाया तो जीव तो थे नहीं जो से करुणा करना था। कोई जीव हो, दुखी हो तो करुणा करेगा, सृष्टि ही नहीं थी तो किस पर करुणा किया, तो सृष्टि क्यों बनाया, कोई उत्तर नहीं है। सृष्टि है ही, जड़ और चेतन ये दोनों वस्तुएं नित्य हैं, जिसको प्रकृति और पुरुष सांख्य ने कहा है। स्व और पर, दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष, चेतन ही दृष्टा है, साक्षी है, जड़ दृश्य है और साक्ष है। एक जानने वाला है, एक जानी हुई चीज है, दो हैं। अध्ययन के विषय केवल दो हैं, स्व और पर। स्व आत्मा है और पर जड़ प्रकृति है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय हैं, और इन पांचों को जानने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। एक बात ये भी ध्यान दें, वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व मानते हैं, एक तत्व में एक विषय तो होना चाहिए, तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और 100 से अधिक इंद्रियां होना चाहिए उन्हें ग्रहण करने के लिए, लेकिन इंद्रियां कुल पांच हैं जानने की, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ही पांच विषय हैं। ये भी बात एक विचारणी है।
पारख सिद्धांत मानता है मिट्टी पानी आग हवा ये चार तत्व हैं। आकाश शून्य है, उसमें कोई उद्रव्य नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं है। और यही तथ्य है पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार तत्व हैं। विज्ञान 100 से अधिक तत्व मानते हुए भी ठोस तरल वायव्य अतिवायव्य में वो विभाजित करता है। विज्ञान का अपना तरीका है, उसकी शैली है, वो अलग विषय है। हमें मोटा मोटी संसार को समझना है। संसार में सर्वत्र कारण कारज की व्यवस्था है, अचानक कुछ नहीं होता है। द्विवेदी जी ने कहा अगर ईश्वर है तो चमत्कार है, और फिर जो ईश्वर का भक्त है उसमें भी चमत्कार होने चाहिए। जो हम ईश्वर से सिद्ध हैं, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा किया है और ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, तो हम भी चमत्कारी हैं। इसलिए परमात्मा तो चमत्कारी है ही है, महात्मा भी चमत्कारी है। एक महात्मा के शिष्य लोग यही कहते थे कि हमारे गुरु जी रात में उड़ते हैं, तो गांव वाले सोचे भाई महात्मा को रात में चल के देखना है कैसे उड़ते हैं, तो छिप करके झुरमुट में कई लोग गांव के खड़े हो गए। आधी रात को महात्मा निकले पेशाब के लिए, तो सोचे कि शायद अब उड़े, तो एक दूसरे ने कहा ध्यान रखो अभी उड़ने वाले हैं। तो महात्मा जी को आहट आई, कौन है भाई यहाँ, महाराज आपके गांव वाले हैं, यहाँ क्यों खड़े हो, आप रात में उड़ते हैं तो देखने आए हैं। बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, चेले उड़ाते हैं, सब मत के चेले उड़ाते हैं। और यही बात नहीं है, गुरु स्वयं भी उड़ाना चाहते हैं। एक गुरु बाबा जो कि 150-200-250 वर्ष लोग कहा करते इतने दिन के हैं, अब नहीं है, मर गए। तो एक ने पूछा महाराज कुछ लोग कहते हैं आप 200 वर्ष के हैं तो कैसे है। उन्होंने कहा बच्चा आत्मा की कोई उम्र होती है, बांटिया दिए, अलग अपनी बात कह दिए। ये नहीं कहे नहीं बेटा मैं 85 वर्ष का हूँ, 90 वर्ष का हूँ। वे चाहते हैं कि हमारे लिए लोग बढ़ावें और हम मौन होकर स्वीकारें। अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता करनी हो तो धर्मात्माओं को बुला लो, ये धर्म मानने वालों को बुला लो, एक दूसरे से बढ़ बढ़ के झूठ कहेंगे। चमत्कार की जितनी बातें हैं 16 आने झूठ हैं। चाहे दुनिया के किसी महापुरुष के नाम में लगाए गए हो, इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी महापुरुष के विषय में लगाया गया हो, सारा चमत्कार बिल्कुल झूठ है, चमत्कार हो ही नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा काहू के बचन ही फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाती, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साँचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई चमत्कार दिखा रहा है, किसी की वाचा सिद्धि है, कोई आकाश में उड़ रहा है। साहिब ने कहा आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चिल मिटराई, आसन उड़ाने से क्या विशेषता हुई, कौआ चिल भी आकाश में उड़ते रहते हैं, अब आसन भी ऐसा उड़ता नहीं है। दुनिया में कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, उसी के तहत सब कुछ होता है। कहते हैं ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और कमल पर सूरज खिला दे, क्योंकि सर्वसमर्थ है, और सर्वसमर्थ है तो ऐसा कर सकता है, तो करके दिखाए, तो कौन करके दिखाए। एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 कोस चलता है, तो कहे चला के दिखाओ, कहे जब उसका मन होगा तब चलेगा, कभी चलता ही नहीं तो कैसे प्रमाण मिले।
ईश्वर सूरज पर कमल खिला सकता है और कमल पर सूरज। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ये न करें, दुनिया से पाप ताप को खत्म कर दे, लोग चोरी न करें, व्यभिचार न करें, हत्या न करें, किसी निर्अपराध को मारे ना। लोग नमाज पढ़ते हैं और ऐसे लोग आते हैं कि वो भून करके चले जाते हैं। मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग आए उनको भून के चले गए। गत वर्ष में बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ, ट्रेन में निरपराध लोग मारे गए। जो कुछ होता है दुनिया में आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मैं इन दोनों से दूर हूँ। आप लोगों से जो समाचार छन के आता है जान लेता हूँ। इतनी आपाधापी, इतनी बेईमानी, बदमाशी, बलवान निर्बलों को चूसते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, इसको खत्म करवा दे बस। सूरज पर कमल न खिलाए, कमल पर सूरज न खिलाए, दुनिया में पाप ताप न रह जाए। हमारे पूर्वजों की बड़ी शुभ कामना थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ईश्वर की कल्पना की जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। ऐसे ईश्वर की कल्पना बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर कल्पना दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ईश्वर बिना हाथ पैर के चलता है ये कहते हैं, तो बिना मुंह के एक बार बोल दे ये दुनिया के लोगों में एक हूं, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, बोल क्यों नहीं देता। इसलिए जिस ढंग से हम ईश्वर की कल्पना करते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर को हमने व्यक्ति बनाया है, कोप और करुणा करने वाला माना है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, वो कोप करुणा करने वाला नहीं है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। ईश्वर कणकण में है ये ठीक है, क्योंकि कणकण में नियम है। अपने नियमों से कंकर, पत्थर, अनेक कार्य पदार्थ बनते हैं और बिखरते हैं। सब जगह नियम है, हमारे मन में नियम है, पेट में नियम है, शरीर के अंग अंग में नियम है। तीन रोटी खाने से अगर पेट ठीक रहता है तो चार खाने से गड़बड़ होगा, पेट का नियम दंड देगा। अगर हम कट बोलेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह में उलझेंगे तो मन जलेगा, ये मन का नियम है। सर्वत्र व्याप्त है वो नियम ईश्वर है, उसमें करुणा और कोप नहीं है। व्यक्ति ईश्वर को व्यक्ति रूप में मान करके जिन्होंने मजहब चलाया उन्होंने कहा केवल मेरा संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार है, दूसरे का नहीं। स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा तो केवल मेरे मत में, दूसरे में नहीं। और ईश्वर चुपचाप बैठा हो, बताता भी नहीं, भाई तुम ऐसा क्यों बकते हो, सब मेरे प्रिय हैं। क्योंकि वैसा ईश्वर हो तो बतावे, वो तो इन लोगों ने ऐसा ईश्वर इसलिए गढ़ा है कि हम सबके दादा बने रहें। ईश्वर है वो हमारे डिबिया में है और हमारे मत को जो माने वही सच्चा ईश्वर मानने वाला है, और वही स्वर्ग जाएगा और मोक्ष होगा उसी का। यही धमा चौकड़ी सभी मतों में है। जो जो ईश्वर मानते हैं वो यही कहते हैं कि ईश्वर हमारे मत वालों का मोक्ष करेगा, दूसरे का नहीं। हमारे मत वालों को स्वर्ग देगा, दूसरे को नहीं। कितनी संकुचितता की बात है। स्वर्ग और मोक्ष देने की चीज है, वो तो अपना व्यक्तिगत विषय है। अगर आदमी का मन निर्मल है तो स्वर्ग है, अपने में लौट आना स्वर्ग है। विकुंठ कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री,
वैकुंठ है, मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है, ये अपने करने से होगा। अपने अंदर में हमने स्वयं झाड़ झंखार तैयार किया है, विष इकट्ठा किया है और उसी में उलझ उलझ कर, उसी में जल जल कर हम मरते हैं। भगवान की माया नचा रही है, भगवान तो शुद्ध है, वो जगत कैसे बनाया? माया से। माया के द्वारा जगत एक बार बना लिया, माया बैठी क्या करे? तो उस माया को ईश्वर ने जीवों पर दौड़ा दिया, इनको भटकाओ। तो कहते हैं ईश्वर की माया सबको भटका रहे है। ईश्वर जब दयालु है तो उसकी माया भटकाएगी, वो माया क्यों रखेगा? सज्जन आदमी कट ही कुतिया नहीं जिलाता है कि सबको दौड़ा दौड़ा के कटाते रहे। अगर कोई व्यक्ति कट ही कुतिया पाले है और सब पर दौड़ा दौड़ा के कटवाता है तो सज्जन तो नहीं है। अगर ईश्वर माया पाले है जो कट ही है और सब पर दौड़ाता है तो ईश्वर तो सही नहीं हुआ। लोग यही कहते हैं भगवान की माया नचा रहे। एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो एक बुजुर्ग मिले, जब मैं प्रवचन से उठ करके घूमने चला, मैंने कहा आप सत्संग में नहीं थे? कहे महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो। तो मैंने कहा भगवान से हटो फिर। तो हंसने लगे, बिना सोचे विचारे लोग भगवान का दुरुपयोग करते हैं। भगवान की माया सबको नचा रही है तो भगवान अच्छा कहाँ हुआ? आपकी माया आपको नचा रही है। आप शराब पीते हैं, भगवान पिलाता है कि आप पीते हैं? एक लड़के ने किसी लड़के से मोह कर लिया तो भगवान ने करवाया? ये उसका उसकी माया है। भगवान की माया हमें नहीं नचा रही, अपनी माया नचा रही। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या है, तो पुस्तकों में भी लिखा है, दोनों प्रकार से लिखा है कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं अपना कर्म फल भोगना होगा। अब ऐसा भी लिखा है कि जो कुछ करवाता है ईश्वर करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो जितनी अच्छाइयाँ दुनिया में होती है तो समझ में आती हैं कि ईश्वर करवाता है, और जितनी बुराइयाँ होती वो, इसका उत्तर क्या है? बिना सोचे विचारे लोग सब कुछ ईश्वर पर थोपते जाते हैं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है और नियम में न कोप है न कृपा है। कंप्यूटर की तरह है, जैसा हम करें हमारे सामने फल उठा करके रख देता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, इसमें मेहनत है। और अगर हम व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है और कृपा करता है कोप करता है तो उसको हम मनावें, प्रार्थना करें, लड्डू चढ़ावें तो हमारे पापों को काट देगा और बिना परिश्रम और साधना के हमें मुक्ति दे देगा। खुश कर लो ईश्वर को, बस काम सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो हम करेंगे भरेंगे। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो लड्डू देने से हमारे पाप को काट दे। चोर चोरी करता है, डाका डालता है, बड़े बड़े गबन करने वाले नेता और कितने लोग हैं, तो देव मंदिर में जाके वो प्रार्थना करते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं और रोते हैं, भगवान क्षमा करो, भगवान कमीशन पा गया, क्षमा कर दिया। लेकिन क्या क्षमा मांगने का ही तरीका है? खेत जोते निरहू का, लगान दे गुरहू को। जिसके यहां आपने चोरी की है उससे क्षमा मांगे, माल लौटा दें। आप कहें कि मुझसे गलती हुई, मैं आपका माल लौटाए देता हूँ, मैंने चोरी की है, वो तो खुश हो जाएगा।
इनाम देना चाहेगा, लेकिन हम लाखों का गबन, करोड़ों का गबन करते हैं और भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। ये क्षमा मांगने की तरह का तरीका बहुत बढ़िया है। नियम क्षमा नहीं करता है, इसलिए नियम ईश्वर में हमारी श्रद्धा नहीं है। जो खुशामत पसंद है ऐसे ईश्वर से हमें श्रद्धा है, जो लड्डू पाने से खुश हो जाता है ऐसे ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, और जो खुश नहीं होता है ना खुश नहीं होता है किंतु जैसे हम करते वैसे फल देता है ऐसे ईश्वर से हम सरोकार नहीं रखना चाहते। लेकिन उसी ईश्वर से सरोकार सबका सब समय है, वो छूट नहीं सकता है, वो है नियम। महात्मा भी जब ज़्यादा भोजन करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, साधारण आदमी ज़्यादा भोजन करेगा उसका भी पेट खराब हो जाएगा। कोई भी चोरी करे, हत्या करे, पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। कर्म फल भोग सबके सामने है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने कर्म सिद्धांत को ढीला कर दिया है। असंख्य जीव हैं, सबके कर्म फल भोग कौन देता है? व्यक्ति ईश्वर नहीं दे सकता है। एक किसान है, एक एकड़ में वो गेहूं बोता है, अगर हर दाना को फोड़ फोड़ करके उसे अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, नमी, गर्मी, खाद, पानी, सब कुछ उत्तम योग्यता पा करके करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। नियम में ये बल है व्यापक काम करने का, और व्यक्ति में ये बल नहीं है। अगर ईश्वर व्यक्ति है कर्म फल भोग दे नहीं सकता है। असंख्य जीव हैं और असंख्य जीव क्षण क्षण जन्मते मरते हैं, उनका कर्म फल भोग वो कैसे दे पाएगा? एक टिकट काटने वाला स्टेशन मास्टर है, टिकट बाबू है, वो टिकट काटता, एक एक का काटेगा, क्रमशः काटेगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना, सोच करके निर्णय लेना और काम करना। व्यक्ति ईश्वर है तो क्रमशः कर्म फल भोग देगा तो कैसे दे पाएगा? लेकिन नियम ईश्वर में क्रम की जरूरत नहीं है, वो व्यापक है। असंख्य जीवों का कर्म फल भोग एक साथ हो सकता है। और इसके विषय में सांख, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, इन्होंने पहले भी कहा है कर्म फल भोग के विषय में, उसके नियम हैं। आगे चल करके जैसे द्विवेदी जी ने बताया कि वेदांत और वैष्णव, इन दोनों लोगों ने, दोनों संप्रदायों ने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना बहुत बढ़ा दी। सांख, योग, न्याय, वैशेषिक, इन पुराने शास्त्रों को पढ़ें, बड़ी धारदार बातें हैं। मीमांसा में कर्मकांड है, लेकिन जगत की अनादिता पर जो उसने प्रकाश डाला बड़ा अद्भुत है। उपनिषदों में कहीं भी अवतारवाद नहीं है, कहीं देववाद नहीं है, कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं सस्ते में काम करने की बात नहीं है कि चाहे जो पाप करो और भगवान का नाम लो कट जाएगा, जो करोगे सो भरोगे। कोई परमात्मा बाहर नहीं जो मिलना है, आत्मा परमात्मा है, ये उपनिषदों में कहा गया। उपनिषदों का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन ठंडा हो गया और अस्थूल बातें बढ़ गई, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। महाभारत और 18 पुराण, इन 19 जिल्दों से अगर श्लोक छाटे जाएं तो 40,000 श्लोक ऐसे मिलेंगे जिसमें खूब सस्ते नुस्खे बताए गए हैं। जिस प्रयाग में आप बैठे हैं यहाँ तो मुंडन करा लेने मात्र से मोक्ष है। काशी में जो जाए अपने पैर को कुचल ले,
जिससे वहाँ से अलग न जाए, वहीं मर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। गंगा नर्मदा इतनी महिमा बढ़ाई गई, एकादशी की महिमा, तीर्थों की महिमा, महिमा महिमा में सच्चा धर्म नष्ट हो गया, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। आजकल ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके पास सुरक्षित मंत्र हैं। व्यभिचार कर्म अगर आपने किया तो ये मंत्र जपो कट जाएगा वो पाप। अगर कोई चोरी करता तो इस मंत्र से कट जाएगा, हत्या का पाप इस मंत्र से कट जाएगा, कटे बैठेगा कुछ नहीं। गुरु लोग भटकाते हैं और दुनिया के लोग तो चाहते हैं सस्ता नुस्खा, सस्ते में लाभ हो जाए, और होने वाला नहीं है। जो कर्म है वो फल देगा। विश्वव्यापी नियम को समझें, ईश्वर एक है, सर्वत्र परिपूर्ण है, कण कण में है, विभिन्न नहीं है, वो है नियम। सब जगह नियम है, नियम को पहचाने। वेदों में रित का वर्णन बारंबार आता है, रित नाम नियम। रित के तीन अर्थ हैं वेदों में। पहला अर्थ कर्मकांड यानी यज्ञ मंडप का जो विधि विधान है वो रित है, और दूसरा है प्राकृतिक नियम, तीसरा है नैतिक नियम। ये दोनों गंभीर हैं। यज्ञ शाला का अपना नियम भी रित कहलाता है। शरणाचार्य ने अपने भाष में रित सदन को बारंबार यज्ञशाला ही का अर्थ कर डाला है। रित सदन ये पूरा विश्व है, रित का घर, नियमों का घर। कई बात तो हम देखते हैं कि वेदों में जो इतने पुराकाल में बने हैं इतने धारदार हैं कि क्या पूछना। अब आज के लोग एकदम बकवास कर रहे हैं जो आधुनिक बनते हैं। देव भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये वेदों में आता है। पारख सत्य सब समय रहा है, परख करके मानना है सब समय रहा है। कबीर साहब की ये साखी जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। सूप का उदाहरण देते हैं, सूप स्वभाव बनो, फटक दो भूसी उड़ जाए चावल रह जाए। वेद की ऋषि ने कहा है सप्तमी उत्तुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्र ईशाम लक्ष्मी नेता दिवाच। चलनी से जैसे सत्तु छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो, वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। कितने पुराकाल में यह कहा गया है। पारक पहले से था, सब समय है। कुछ सौ वर्षों के पूर्व कबीर साहब ने उसको अपने ढंग से उद्घाटित किया, और पारक कोई कबीर पंथ की चीज नहीं है, कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, वो आत्मा की चीज है, जीव की चीज है। परख करके ग्रहण करना, हम भूल जाते हैं, महिमा में पड़ जाते हैं, शब्दों के जाल में पड़ जाते हैं। शब्दों का जाल इतना है कि हद है। धर्म की पोथियों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, महिमा परख जिसका ठिकाना नहीं, काल कर्ज व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, विश्व के शाश्वत नियमों से कोई मतलब नहीं है, तर्क और बुद्धि और विवेक से कोई मतलब नहीं है, बस लिख दिया हो गया। महात्मा नदी के पास पहुँचे, नदी का पानी तट से सट के चल रहा था। पक्षी अगर तट पर बैठा हो तो चोंच से पानी ले सकता है, इतना भर करके नदी चल रही थी। नदी की ये बाढ़ को देख करके महात्मा ने कहा हट गंगिया,
तो बीच में रास्ता खुल गया, पानी खड़ा हो गया दोनों तरफ और एक सूखी सड़क बीच में बन गई, महात्मा निकल गए। यह महात्मा ने पैर पटका और वहां नदी बहने लग गई। महात्मा ने बैल से वेद मंत्र बोलवा दिया। महात्मा दीवार को कहे, दीवार चल पड़ी। ऐसी उलझुल बातें, महात्मा धर्मात्मा परमात्मा के नाम पर इतना चलाया जाता है जिसे तर्क और विवेक और विश्व के नियमों से कोई मतलब नहीं। ऐसी को धर्म माना जाता है और इसको जो न माने उसको नास्तिक कहा जाता है। ये सब उल्टा पलटा फैल गया है। विचारक बने, चिंतक बने, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। प्रेत का मतलब जो चला गया। झाड़ फूंक बिल्कुल बेकार है, अंग फड़कने से कोई हान लाभ नहीं होता है, चाहे जो अंग फड़के चिंता रहित रहो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हान लाभ नहीं है। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। कोई ग्रह नहीं जो आपके ऊपर टेढ़ा हो। काशी में एक तथाकथित पंडित एक युवक को पकड़े गंगा के तट पर, कहे तुम्हें ग्रह लगा है, ग्रह टेढ़ा है, पूजा करवा लो शांत हो जाएगा। कहे महाराज कितना लगेगा? कहे 100 रुपये। कहे महाराज नहीं कर पाऊंगा। तो कहे 50 में कर दूंगा। फिर वो नकारता गया, 10 में आए, 5 में आए। पंडित ने कहा, यार तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं? उसने कहा, महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तब उन्होंने कहा, तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो ग्रह लग करके क्या करेगा? तो ग्रह तो उनको लगा नहीं था, ग्रह लगा था पंडित को, कुछ पाना चाहते थे। कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे, उन्होंने पंडित को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लाग के खाना। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय में ग्रहण किस क्षण लगता है? क्रोध, काम, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, असंतोष, पीड़ा, ये ग्रहण है, ये कब कब लगता है? और कुछ नहीं बता पाए। तब उन्होंने कहा, काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन सद्गुरु लागा कान, इतनो नहीं जानते हो, तब गुरु बन करके क्या बताते हो? हृदय में चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पांसा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। ये कबीर साहब की पंक्तियां भी जग की हैं। जन्म के पांसे पड़ रहे हैं, दम दम में सांस सांस में अंदर में क्या घटना घट रही है, कोई खबर न जाने, किसी को ख्याल नहीं है, कोई कह न सके निर्वारा, कोई निर्वार नहीं कर रहा है, बाहर के ग्रह में पड़ा है। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले, ये आँख नाक कान जीभ चाम मन, ये ग्रह हैं जो मनुष्य को पकड़ लिए और भटका रहे, इनसे मुक्ति लो। आकाश में कोई ग्रह नहीं है जो आपको ऊपर चढ़ बैठे, और ग्रह टेढ़ा है तो पंडित जी के पूजा करने से वो शांत कैसे होगा? पंडित जी पूजा करके एक बल्ब को बुझा दें, स्विच ऑफ न करें, तो नहीं बुझेगा, तो ग्रह कैसे शांत हो जाएगा पूजा करने से? पंडित, मुल्ला, पादरी, महात्मा जी, ज्ञानी जी, एक का दोष नहीं है। ब्राह्मण पंडित खाली दोषी है, कबीर पंथी पंडित भी दोषी है, और दूसरे दूसरे संप्रदाय वाले भी। जहां पर 2 नंबर का माल बिकता है वही दूषण है। चमत्कार 2 नंबर का माल है। किसी देवी देवता और ईश्वर को खुश करके सब कुछ पाने की इच्छा 2 नंबर का माल है। देवता अंदर में बैठा है, परमात्मा अंदर में बैठा है, खुदा अंदर में बैठा है,
वो प्रसन्न होगा तब सच्चा आनंद आएगा। सबके अंदर में जो बैठा है वो परमात्मा है, और उसकी प्रसन्नता चित्त की निर्मलता से संभव है। ये काम करने की जरूरत है। फिर प्रार्थना, नमाज, पूजा अपने अपने ढंग से कोई कुछ करे बुरा नहीं। सब एक ढंग के पात्र नहीं होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ संस्कार के होते हैं, तो अपने ढंग से कोई पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है, कीर्तन करता है, अच्छा करता है, थोड़ा मनोरंजन है, सात्विक मनोरंजन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि फल क्या हो रहा है। क्रोध घटा है, काम घटा है, लोभ घटा है, तृष्णा घटी है। अगर ये सब नहीं घटे हैं तो भजन नहीं हो रहा है। चित्त की शुद्धि होना भजन का फल है, ये असली भजन है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, आत्मा परमात्मा है। एक आदि दैविक ईश्वर है, दूसरा आदि भौतिक ईश्वर, तीसरा आध्यात्मिक ईश्वर। ये तीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि कहते आधार को, भूत जिसके आधार हो वो आदि भौतिक ईश्वर है। भूत कहते हैं तत्व को, भूत कहते हैं देव का आदि दैविक, देव जिसके आधार हो वो आदि दैविक ईश्वर है। देव कहते हैं जड़ शक्ति को, जड़ तत्व को। जड़ तत्व मिट्टी पानी आग हवा, ये विश्व ब्रह्मांड, इसमें जो नियम है ये आदि दैविक ईश्वर है। पानी कैसे बरसता है? आदि दैविक ईश्वर से बरसता है, यानी प्राकृतिक शक्ति से बरसता है। पानी नहीं बरसता हो तो उसके लिए ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना हवन करने की जरूरत है। नमाज से हवन से पानी नहीं बरसेगा। पानी बरसने के प्रकृति के अपने नियम हैं, वो नियम जड़ हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। योग्यता होगी तो बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। आप अपना काम कीजिए, निर्भ्रांत होइए, तकलीफ में न पड़िए। भूचाल कैसे आता है? कोई ईश्वर भूचाल नहीं लाता है, भूचाल प्रकृति के नियमों से होता है। बादल बर्फ कैसे बनते हैं? छह ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? आदि दैविक ईश्वर से होता है। आदि दैविक ईश्वर यानी जड़ प्रकृति के नियम, इसको समझना चाहिए। ये समझने का विषय है आदिदैविक ईश्वर को। प्रकृति का नियम आदिदैविक ईश्वर है, देव यानी जड़ प्रकृति, उसके नियम ईश्वर है। ये समझने की चीज है। ठीक से समझ ले निर्भ्रांत हो जाए, इसको समझ ले तो भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक अनेक कल्पनाएं सब समाप्त हो जाए। देवता प्राणी तब दिखाई देंगे, वायव्य नहीं। ईश्वर घट घट में दिखाई देगा, आकाश में नहीं, शून्य में नहीं, अगोचर नहीं। आदिदैविक ईश्वर समझने योग्य है, वो प्रकृति का नियम है। दूसरा आदि भौतिक ईश्वर है, भूत नाम प्राणी, भूत बीते समय को भी कहते हैं, भूत काल्पनिक भूत प्रेत को भी कहते हैं, भूत सत्य को भी कहते हैं, तादात्म को भी भूत कहते हैं, ब्रह्मभूत आत्मभूत। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी, देहधारी प्राणी। देहधारी प्राणियों का समूह आदि भौतिक ईश्वर है। जैसे ये बैठा है समाज, ये ईश्वर बैठा है, ये आदि भौतिक ईश्वर है। भूत संबंधी ईश्वर है, प्राणी संबंधी ईश्वर है, इसकी सेवा करनी चाहिए। आदि दैविक ईश्वर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। सूरज को नमस्कार करने से कोई फल नहीं, वो उत्तर नहीं दे सकता है।
पवन की वंदना करने से कोई मतलब नहीं, जोर से हवा चल रही है कितनों वंदना करो रुकेगी नहीं, वो गति होगी। आग लग गई, अग्नि देवता की आप पूजा करने लगे तो बुझेगी नहीं, पानी डालो धूल डालो। प्राकृतिक शक्ति जो है आदि दैविक ईश्वर, वो पूजा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। जान लो, निर्भ्रांत हो जाओ, वैज्ञानिक दृष्टि अपना लो, कारण कार्य व्यवस्था का बोध हो जाए। और आदिभौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है, ये सेव्य है, सेवा करो। ये देखो परमात्मा बैठा है, दुकानदार को चाहिए समझे जितने ग्राहक आए हैं सब देवी देवता हैं। अफसर क्लर्क ऑफिस में जो बैठे हैं वो ये सोचें जितने ग्राहक काम कराने आते हैं देवी देवता भगवान भगवती हैं, उनसे घूस न मांगें, उनको तकलीफ न दें। जितने कार्य क्षेत्र हैं वो सब पूजा की जगहें हैं, जो कुछ करो सो पूजा, साहब कहते हैं। मैं जो करता हूँ पूजा है, जीवन इतना पवित्र बन जाए, प्राण प्राण परमात्मा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा बहुत पुरानी है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सब भूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, भूमि में सब तरफ से घेर के 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, उस पुरुष के हाथ पैर आँख इत्यादि हजारों हैं। स वह भूमिम जमीन पर विश्वतो सब तरफ से वृत्त घेर कर अतितिष्ठति ऊपर बैठा है, 10 अंगुलम नाभि से नापने पर 10 अंगुल पर ऊपर हृदय है, सगुण निर्गुण दोनों का इसमें निर्वाह है। पूरे भूमंडल पर जितने प्राणी हैं ये भगवान के सब हाथ पैर हैं, ये सगुण उपासना है। प्राणियों को भगवान भगवती समझ करके उन पर दया करो, करुणा करो, किसी को धोखा न दो। और 10 अंगुलम 10 अंगुल के ऊपर बैठा है हृदय में, वो उपासनीय है, मननीय चिंतनीय है, समाधि में जाने की जरूरत है, समाधि में जा करके उसमें स्थित होती है। तो आदिभौतिक ईश्वर ये प्राणियों का समूह है, भूतनाम प्राणी, प्राणियों का समुच्चय सगुण परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान दोनों से ऊपर है। ये जो प्राणी हैं, ये सगुण भगवान हैं, इनकी सेवा करो। सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी को तकलीफ ना दो तो सबकी सेवा हो जाएगी। शोषण बंद हो जाए तो दान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शोषण इतना है कि हद है। वृद्ध है, मेरी उम्र के आए रहे कई दिन, कहे महाराज सांप्रदायिक का जो विषाक्त वातावरण है ये मुझे बुरा लगता है, और जो गैपिंग है मनुष्यों में, एक की आमदनी कितनी और एक को खाने का ठिकाना नहीं, ये बहुत तकलीफ देती है। और ये क्यों है? क्योंकि एक तरफ पूंजी जमा करने की चेष्टा है। उन्होंने कहा, महाराज मेरा एक भतीजा 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाता है और एक भतीजा 5,000 रुपया महीने पर काम करता है। उन्होंने कहा 2,000 पर भी लोग काम करते हैं महीने में। मनमोहन सिंह ने कहा भी पूंजीपतियों से कि गैपिंग कम करो, ये अंतर कम करो, पूंजीपतियों ने नहीं माना। हम ठगना छोड़ दें, शोषण करना छोड़ दें, समता का बर्ताव यथासंभव करें तो सेवा हो गई। इन प्राणियों को परमात्मा समझो, भगवान भगवती समझो। ये आदिभौतिक ईश्वर आदरणीय हैं, सेव्य हैं, इनका आदर करो। अंतिम में है आध्यात्मिक ईश्वर।
जो आत्मा संबंधी हो आध्यात्मिक है, इंद्रिय मन अंतःकरण या आत्मा संबंधित बहुत निकट है, इसलिए पूरा व्यक्तित्व मनुष्य का जो होता है वो अध्यात्म कहलाता है, मूल उसमें आत्मा है। आत्मा जो अपना स्वरूप है, अस्तित्व है, वो स्थित का विषय है, स्वरूप में स्थित आदि दैविक ईश्वर जानने योग्य है, आदि भौतिक ईश्वर सेवा योग्य है, अब आध्यात्मिक ईश्वर उपासना योग्य है। प्रकृति के नियमों को समझें, सब जगह ईश्वर और देवता को बैठा करके विवेक को खो न दें। पानी ईश्वर बरसाता है तो कहीं ज़्यादा सड़ा देता है, कहीं सुखा देता है, क्यों? कोई उत्तर नहीं। हर जगह ईश्वर ला करके रख देते हैं, पानी बरसने के कारण जड़ के नियम है, नियम में योग्यता हो गई बरस रहा है, नहीं योग्यता हुई नहीं बरस रहा है, उसमें ज्ञान नहीं है, नियम है। आग लग गई, आग को कोई ज्ञान नहीं। मंदिर जले चाहे मस्जिद जले चाहे सामान्य घर जले, एक मंदिर में सब जल गया लेकिन उनकी पोथी नहीं जली। उन्होंने कहा देखो मेरी पोथी में ये बल है कि सब जला लेकिन पोथी नहीं जली। तो मैंने कहा लकड़ी पर पोथी रख करके अब आग लगा दी जाए और न जले, आँखों से देखा जाए तब पता लग जाएगा। तो मुस्कराने लगे, मतलब वो नहीं करना चाहते। एक मजार पर मैं गया तो मियाँ जी ने कहा कि जो अमुक पीर थे वह राजा के किला को ऐसे हाथ किए तो उलट गया। मैंने कहा ये कैसे हो जाएगा? कि बिल्कुल हो जाएगा, महात्मा कुछ कर सकते हैं। मुझे कहिए तो इस पेड़ को मैं यहाँ कर दूँ उंगली से। मैंने कहा कीजिए। तो कहे हाथ मिलाइए, तो मैंने हाथ मिला लिया। तो हंस करके कहते हैं फिर कभी। वह सोचे होंगे हम मुल्ला हैं और ये साधु आदमी मेरा हाथ नहीं छुएंगे, और हम लोग छुआछूत नहीं मानते हैं। एक मुस्लिम बच्चा मेरे पास साधु रूप में 18 बरस तक था, मेरा भोजन बनाता था। ब्राह्मणों के बीच में अयोध्या के पास मेरा आश्रम था, सभी ब्राह्मणों को मैंने डांट दिया था कि तुम ब्राह्मण ब्राह्मण करके मनुष्यता को खराब किए हो, छुआछूत की बात यहाँ नहीं करना। ब्राह्मण लोग उसका बनाए खाते थे। तो समझे होंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, बस छुट्टी मिल जाएगी। मैंने झट से हाथ मिला लिया तो हंसने लगे, अच्छा फिर कभी। ये क्या लीला है! पंडित मुल्ला महात्मा ज्ञानी जी गुरु जी सब में किसी फर्क नहीं है, पादरी में एक का दोष नहीं है, दोष है लोभ का। धार्मिक लोगों का छल कपट है और इसी ने कर्म सिद्धांत को ठंडा किया है, इसी ने नैतिकता को नष्ट किया है। एक चमत्कार, इधर एक भोग विलास की भावना, और भोग विलास की भावना होने से चमत्कार ज्यादा जोड़ा जाता है। तो आदि दैविक ईश्वर यानी प्रकृति के नियमों को समझने की जरूरत है, और आदि भौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है ये सेवनीय है, पूजनीय है, सत्कार योग्य है। राष्ट्रीय भावना की बड़ी बड़ाई की जाती है, लेकिन कितने राष्ट्रीय भावना की बात करने वाले फिर वर्ग की बात करेंगे। हमारा वर्ग भारतवर्ष एक राष्ट्र है, इसमें जितने लोग हैं सब भारतीय हैं। राष्ट्रीय भावना हो तो भारतवासी सब भाई भाई हैं, इसमें हिंदू मुसलमान क्या, ब्राह्मण शूद्र क्या। लेकिन राष्ट्रीय भावना का एकदम एक तरफ गीत गाएंगे और एक तरफ वर्गवाद उठाएंगे, ये राष्ट्रीय भावना का हतन है। राष्ट्र केवल जमीन नहीं है, ये मनुष्य राष्ट्र है। चंद्रलोक को कोई राष्ट्र कहता है? क्योंकि वहाँ प्राणी नहीं है, ये मनुष्य और प्राणी राष्ट्र हैं।
इसलिए हमारे राष्ट्र में जितने सदस्य हैं और जितने प्राणी हैं उन सब के प्रति दयामया और समता का व्यवहार करना राष्ट्रीयता है। कबीर साहब को यही तो खला था कि मानो मानो के बीच में भेद डाला जाता है, इधर जाति भावना उधर सांप्रदायिक भावना, हर तरफ मानवता का हतन। आध्यात्मिक ईश्वर उपासनी है, आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, आपका अस्तित्व। जीवन में हमें चाहे जो कुछ मिल जाए रहेगा नहीं, कबीर साहब की वाणी में वैराग्य भरा हुआ है। क्यों? हम राग से पाप करते हैं, भ्रांत है। जो उपलब्धि है लगता है इसे रोज रहेगी, न जवानी नित्य है, न पद नित्य है, न धन नित्य है, कोई भी संयोग नित्य नहीं है। जो औपाधिक है वो स्थिर कहाँ है? जो नकली है, जो संबंधित है, जुड़ा है, वो टूटेगा? इस संसार में मेरा एक कण नहीं है, मेरा आत्मा ही परमात्मा है, मेरा आत्मा ही परम धन है। अपने मन को सबसे लौटा लेना, अंतर्मुख हो जाना, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाकों क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ू चढ़ी तराजू पूर्व भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले? हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिल गए तिल बोले। साहेब परमात्मा अल्लाह खुदा बाहर नहीं है, सबके अंदर में बैठा है, जो बोल रहा है वही है। आदमी अपने स्वरूप पर न ध्यान दे करके बाहर भटकता है। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीन विषय, इंद्रियों से प्रतीतमान जगत ये प्रत्यक्ष है, और मन की जितनी अवधारणाएं हैं वो परोक्ष हैं। ये दोनों के अंत पर अपरोक्ष बोध होता है। इंद्रियां जहां शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तो स्वयं अपरोक्ष आत्म अस्तित्व है। पांचों ज्ञान इंद्रियों से आप जो जानते हो देखते हैं वो सब प्रत्यक्ष है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये आपकी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष क्या है? ईश्वर, देवता, लोक लोकांतर, ये मन की अवधारणा है, ये परोक्ष है। अपरोक्ष स्वयं अपने आप है। ये अपने आप जो है, जो दृष्टा है, साक्षी है, बोलता है, वही असली परमात्मा है। हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने नारद को उपदेश करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा, चश्म बंधव गोश बंधव लभ्य बंद गर्नवीनी सर्रेहक बर्मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये सूफी संत कहते हैं, रूमी साहब वही बात है। अपने को समेट लो, कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। समझ बूझ ले फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, सब अहंकार छोड़ करके निर्माणी हो जाए, ऐसे व्यक्ति का कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। हमें तकलीफ क्यों होती? अहंकार के कारण। सारा अहंकार विलीन हो जाने पर दुख होने कोई चांस नहीं। सारे संकल्पों को छोड़ देने के बाद जो बच रहता है, संस्कृत में उसको शेष कहते हैं, अरबी में उसको बका कहते हैं। बात एक, बका बाकी, शेष बचा हुआ। सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो कौन बचा? स्वयं आत्मा आप, स्वयं शेष रह गया, मन समाप्त हो गया, इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ और मन शांत हुआ तो अपरोक्ष स्वयं रह गया। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष जगत है।
मन की अवधारणाएं ये परोक्ष है। जब इंद्रिय और मन दोनों शांत हो गए तो अपरोक्ष आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध है। ये कोई मत की बात नहीं है, इस्लाम का भगवान ये नहीं है, हिंदू का भगवान नहीं है, ईसाइयों का भगवान नहीं है, वैष्णव का भगवान नहीं है, ये प्राणी मात्र का भगवान है। सबका अपना आत्म अस्तित्व है, आप हैं, मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्ट ने कहा था। इसकी क्रिया प्रतिक्रिया में सब प्रकार से भौतिकवादियों ने इस पर प्रहार किया था, अध्यात्मवादी खुश हुए थे। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, जो मैं है, मैं दो है, एक मैं मन का है जो कटीला है, उसी में हम उलझे हैं। जो शुद्ध आत्मा परनिष्ठित आत्मा है वह मैं निर्विकार है। ये मन के मैं को छांट करके आत्मा के मैं में स्थित हो जाना परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा कुछ मिलता नहीं है, प्राप्त कुछ नहीं होता, प्राप्त होगा वो छूट जाएगा, मिली हुई वस्तु खो जाती है। एक नवयुवक ने एक बार मुझे एकांत क्षण में पूछा था, बहुत पुरानी घटना है, 40 वर्ष से भी पुरानी होगी। प्रवचन किया, प्रवचन करके शाम के टाइम में झुरमुट था कुछ दूरी पर, उसमें चला गया, ध्यान करने लगा। 22 वर्ष का एक सुंदर युवक खोजते खोजते वहाँ गया। जब गया तो आहट हुई, मैंने आँखें खोली, कैसे भैया कैसे आए? वो बेताब होकर के कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा, बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊँ। तो ठग मारा खड़ा रह गया। मैंने कहा, वो कभी बिछुड़ा नहीं है, इसलिए मिलने की बात नहीं है, विस्मृत है, अस्मृत में आना है, भूल गए हैं, आपन पो आप ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, ज्यो केहर निरक कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही शिला दसनन आनी है, प्रकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रत रत फिरो, कहें कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। ये बीजक का पद है, आपन पो आप ही बिसरो। हम अपने अस्तित्व को स्वयं भूल गए हैं, अपनी तरफ ध्यान दे। हमारा ध्यान ये चकर मकर में है, इसलिए हरदम पीड़ित है। ये चकर मकर छूटना है, किसी का रहा नहीं है, किसी का रहेगा नहीं। अपने मन में वैराग्य लाओ, अनासक्ति लाओ। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठो तुम्हें रोशनी मिलेगी। ये बात बाइबिल में, कुरान में, वेद में सब जगह है। कहते हैं वेद में वैराग्य नहीं है, और वेद में मनुष्य को बारंबार मर्त कहा गया है, जानवर को नहीं। जहाँ कहीं वेद में मर्त शब्द आएगा तो मनुष्य अर्थ होगा। जानवर को मर्त कहे तो जानवर तो समझेगा नहीं, इसलिए ऋषियों ने मनुष्य को मर्त कहा, जिससे वो समझे कि वो मरने वाला है, जरा होश में आए। जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ हमारा कुछ है नहीं, विदेश में है। स्वदेश कौन है? आत्मा। जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, चाम से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं, मन से सोचते हैं, वो विदेश की चीज है, स्वदेश आत्मा है। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ विश्राम पा गईं और मन शांत हो गया, तब स्वदेश मिलता है, वो अमर देश है। अमरपुर लई चलो मोर सजना, ये बचपन में माताओं से मैं सुनता था। तो अमरपुर कोई बाहर नहीं है, आपका आत्मा अमर है। बाहर से लौट आओ, अपने अमर धाम में पहुंच जाओ। कबीर साहब के विचार और पारख सिद्धांत, कबीर का विचार, कबीर का विचार नहीं है, विश्व सत्ता की चीज है, अनादि अनंत है। विचारक सब समय विचारे हैं, कबीर सबसे निष्पक्ष थे, इसलिए वो कह सके। जो जो निष्पक्ष रहा, जितने अंश में उतने अंश में कहा, और जहाँ जहाँ पक्ष पड़ा वो सट गए। कबीर सब तरफ से निष्पक्ष थे, इसलिए कह सके। आप भी कबीर होइए,
सब व्यक्ति कबीर हों, सबको निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भ्रांत दृष्टि अपनानी चाहिए, गतानुगतिका में चल करके भेड़िया धसान में नहीं पड़ना चाहिए, विचारक बनो, चिंतक बनो। और इसके लिए कबीर वाणी बहुत बढ़िया आधार है। मनन करें, चिंतन करें, अपने को समझें, सच्चे ईश्वर को समझें। प्राकृतिक नियम प्रकृति के ईश्वर हैं और प्राणियों का समूह ये सगुण भगवान। प्राणियों के प्रति आदर करो और अपना आत्मा परम परमात्मा है जो उपासनी है। मन को समेट करके आत्मलीन होने का रोज काम करो, इसी में परमानंद है। और इसी स्थित में पहुंच करके मृत्यु के समय में भय नहीं होगा, आज भी सुखी रहेंगे, आगे भी सुखी रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।